डियर स्टूडेंट, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं धनंजय राय आपके लिए लेकर के आया हूँ TGT सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी, जिसमें आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर की चर्चा करेंगे जिसका नाम है स्थलाकृतियाँ। इस स्थलाकृतियों में हम लोग देखेंगे चूना पत्थर या काष्ठ प्रदेश या भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, दूसरा देखेंगे पवन या वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, यहाँ पर देखेंगे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, उसके बाद हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और सागरीय लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से TGT में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन का तरीका होता है, एक तरफ से स्थलाकृति दे दे, इस तरह से स्थलाकृति दे दे, और एक तरफ से ये निर्माण क्रिया दे दे, ये दे दे और कह दे मैचिंग कराइए, जिसमें आपको एक तरफ से जैसे स्थलाकृतियों का नाम हो जाए और एक तरफ से ये सब में से चार ये दे दे, कह दे मैचिंग कराइए। या एक लाइन में क्वेश्चन करते कि निम्न में से कौन सी अपरदनात्मक स्थलाकृति है, कौन सी निक्षेपनात्मक स्थलाकृति है, या क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ऐसे करके क्वेश्चन के तौर पे ये पूछे जाते हैं। जो कि यही नहीं, सिर्फ TGT नहीं, एक हर एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन TGT के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बनते हैं। आइए हम लोग यहीं पर शुरू करते हैं, चूना पत्थर या काष्ठ प्रदेश या भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। देखिए जब भी कोई स्थलाकृतियाँ बनती है तो दो प्रकार की होती है, एक होती है अपरदनात्मक और दूसरा निक्षेपनात्मक। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कुदाल लिया और यहाँ से मिट्टी को काटा, और मिट्टी जहाँ से काटा और उठा के एक जगह दूसरी जगह ले जाकर फेंक दिया मिट्टी को, तो जहाँ मिट्टी को काटा वहाँ एक गड्ढा बना और जहाँ ले जाकर फेंका वहाँ एक जमाव बना, ऊंच स्थलाकृति बनी। तो इस तरह से दो प्रकार के स्थलाकृतियाँ बनती है, एक अपरदनात्मक और दूसरा निक्षेपनात्मक, दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनी। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे चूना पत्थर या भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो ये चूना पत्थर या काष्ठ प्रदेश में होता क्या है कि बृहद क्षेत्र में चूना पत्थर फैले होते हैं, चूना पत्थर की चट्टानें फैली होती है, उसके ऊपर जब जल की बूंदें जब गिरती है तो वह घुलनशील क्रिया द्वारा जो है कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और वही जो है घुलनशील क्रिया के द्वारा यानी जल उसी चूना पत्थर को बहाकर कहीं और ले जाता है तो अन्य प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो जरा देखते हैं यहाँ पर, एक होता है जैसे अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, दूसरा है निक्षेपनात्मक स्थलाकृतियां। आइए देखते अपरदनात्मक में कौन सा होगा, टेरा रोजा, एक होगा लैपिज, एक होगा घोलरंध्र, विलियन रंध्र, घोल रंध्र, बिलियन रंध्र, डोलाइन, यू वाला, पोलजे, कंद्रा, पोनार, काष्ट, खिड़की, और एक है प्राकृतिक पुल। इस
इस तरह से ये जो ये है अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। दूसरा निक्षेपनात्मक में देखते हैं तो निक्षेपनात्मक में जो होता है एक होता है स्टैलेक्टाइट, कंदरा स्तंभ, और एक होता है हेलिक्टाइट। ये यहां पर ये सब स्थलाकृतियां। अब यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने कहा ना कि क्वेश्चन के तौर पर यही होते हैं कि अपर्दनात्मक दे दे, यहां पर नाम दे दे कि निम्न में से कौन सी अपर्दनात्मक है या निम्न में से कौन सी निक्षेपनात्मक है या एक दे दे चूना पत्थर या काष्ठ प्रदेश की अपर्दनात्मक या अपर्दनात्मक स्थलाकृति और बाकी तीन दे दे हिमनद द्वारा दे दे उस या दे दे आपको सागरीय जल द्वारा दे दे या आपको दे दे यहीं पर जो है एक अपर्दनात्मक ही होंगे लेकिन उसमें क्वेश्चन जो है काष्ठ प्रदेश की अपर्दनात्मक स्थलाकृति है तो उसमें जो है जो दिया रहेगा वही चीज है। इसीलिए हमने इसको अलग अलग कर दिया ताकि आपको याद करने की में आसानी हो। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं एक एक को लेकर के हम लोग चलते हैं, जरा देखते हैं यहीं पर टेरा रोजा। टेरा रोजा होता क्या है? तो टेरा रोजा मतलब जैसे कि जब जल की बूंदे चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में पड़ी तो वो जो है जल के साथ घुल करके वो बह गई, जल के साथ घुल करके वो चूना क्या हो गई, बह गई। जब बह गई तो उसी को कहते हैं टेरा रोजा। अब लैपिज की बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं लैपिज, लैपिज क्या होता है। तो लैपिज की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये देखिए जैसे ये यहां पर यहीं पर ले लेते हैं इधर लैपिज, जैसे ये स्थलाकृति ये स्थलाकृतियां देख रहे हैं ना, ये यही है लैपिज, ये लैपिज है। लैपिज यानी कि कटी फटी स्थलाकृति, जैसे चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में जहां पे चूना पत्थर और कठोर चट्टाने हो वहां पे जब जल की बूंदे गिरी तो चूना पत्थर जल के साथ घुल करके बह गए, जबकि ये जो है ये कटी फटी आकृति में ये जो है ये दिखाई देती रह गई। इसी को कहते हैं कटी फटी आकृति, जिसे हम लोग लैपिज के नाम से जाना जाता, जो तीक्ष्ण नुकीली स्थलाकृतियां होती है ये इसी को लैपिज कहते हैं, ये है लैपिज। तो चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में तीक्ष्ण नुकीली स्थलाकृति को लैपिज के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं घोल रंध्र, बिलियन रंध्र, डोलाइन, युवाला के बारे में। देखिए यहां पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं घोल रंध्र, बिलियन रंध्र, युवाला के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे ये देखिए ये मान लेते हैं कि चूना पत्थर वाले ये क्षेत्र है, ये चूना पत्थर वाले क्षेत्र, यहीं पर जब जल की बूंदे गिरी तो ये जो है ये स्थलाकृतियां ऐसे ही बन गई, ये कीपाकार स्थलाकृतियां बनी, ये जो है स्थलाकृतियां, ये जो है ये कीपाकार स्थलाकृतियां बन गई है। इसके बाद जो है ये स्थलाकृतियां एक जो है ये घोलन बिलियन, एक जो है ये स्थलाकृतियां यहाँ पर एक ये बन गई, ये स्थलाकृतियां ये है ये बन गई, एक स्थलाकृति जो है ये बड़ी सी स्थलाकृति ये ऐसे बन गई है ये, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये चूना पत्थर वाले क्षेत्र हैं, ये सब चूना पत्थर वाले क्षेत्र हैं ये, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जहाँ पे जल की बूंदे गिरती है वहाँ पे कीपाकार एक आकृति बनती है जिसकी गहराई लगभग 10 मीटर तक होती है, उसी को कहते हैं घोल रंध्र, घोल रंध्र, घोल रंध्र। जब
दो या दो से अधिक घोल रंध्र आपस में मिल जाते हैं तो इसी को कहते हैं विलियन, विलियन रंध्र, विलियन रंध्र। जब डोला, जब विलियन रंध्र का अधिक विस्तार हो जाता है तो उसी को कहते हैं डोलाइन, डोलाइन। और जब चूना पत्थर वाले क्षेत्रों के बीच का भाग धस जाता है तो उसी को कहते हैं युवाला, युवाला, युवाला। और जब युवाला का अधिक विस्तार हो जाता है तो अब देखिए बीच का भाग ये ऐसे धस गया, ये जब धस गया तो यह आकृति जो है ये ऐसे खड़े दीवाल के रूप में ये दिखाई देने लगती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पोलजे। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे कि घोल रंध्र, घोल रंध्र, घोल रंध्र। उसके बाद किसका विकास हुआ, बिलियन रंध्र, बिलियन रंध्र। इसके बाद बिलियन रंध्र के बाद किसका निर्माण हुआ, तो बिलियन रंध्र के बाद डोलाइन, डो लाइन, डोलाइन के बाद युवाला, युवाला, और युवाला के बाद पोलजे, पोलजे। ये ऐसे ही एक क्रम चलते रहते हैं, ये इसके क्रम हैं ये। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे यहीं पर कंदरा, कंदरा पोनार और काष्ट प्रदेश की स्थलाकृतियों के बारे में। तो आइए अब इसका हम डायग्राम देखते हैं, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कंदरा वगैरह बनते कैसे हैं। ये जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे हमने एक चूना पत्थर वाले क्षेत्र की स्थलाकृतियों को हमने ये ले लिया, ये मान लेते ये चूना पत्थर वाले क्षेत्र है, यहां पर ये चूना पत्थर वाले ये क्षेत्र हैं, ये सब ये चूना पत्थर वाले ये क्षेत्र, ये चूना पत्थर वाले ये सब क्षेत्र है। यहां पर जब जल की बूंदें रिश्ते हुए अंदर की ओर आ रही है तो यहां पर जो है एक यहां चूना पत्थर वाले क्षेत्र में जो ये स्थलाकृतियां जो है ये धस जाती है, तो यहां पर जो स्थलाकृति में तो ये बना कंदरा। और जिस नली से हो करके ये जल रिश्ता हुआ कंदरा में आता है तो इसी को हम लोग कहते हैं पुनार। ये है पुनार, ये पुनार जिससे होकर के जल क्या हो रहा है कंदरा में प्रवेश करता है तो उसी को पुनार कहते हैं। और एक समय बाद यहाँ पर कंदरा में जब हवाएं प्रवेश करती है जो छत पे दबाव डालती है तो दबाव डालती है तो यहाँ पर जो है बनता है एक काष्ठ खिड़की, ये काष्ठ खिड़की, ये काष्ठ खिड़की बनती है। और एक समय बाद कंदरा का जब छत गिर जाता है तो इसी को प्राकृतिक पुल कहते हैं, प्राकृतिक पुल, कंदरा, कंदरा, और ये है काष्ठ खिड़की, काष्ठ खिड़की, खिड़की, और ये है पुनार, पुनार। आइए चलते हैं देखते हैं। देखिए जब रिश्ता हुआ जल जब अंदर कंदरा में प्रवेश करता है तो अंदर घुलनशील क्रिया द्वारा आंतरिक भाग में हुई स्थित जो चट्टाने वो बैठ जाती है और यहाँ पे जल जमा होने लगता है। और एक समय बाद जल जो है दीवार को तोड़ के, कंदरा के दीवार को तोड़ के बाहर की ओर निकल जाता है तो जहाँ कंदरे का निर्माण होता है, लेकिन जब कंदरा में वायु जब प्रवेश करेगी तो वायु जो है छत पर क्या करेगी, लगातार दबाव डालेगी, क्योंकि निकलने के लिए तो जगह है नहीं, तो छत पे दबाव डालेगी तो एक समय बाद कंदरा के छत में क्या होता है, छिद्र हो जाता है। जहां पे हम ऐसे कर सकते हैं कि हम जैसे जैसे नीचे झांक के देखें कि कंदरे में है क्या, तो उसी को कहते हैं काष्ठ खिड़की। और जिस नली या जिस माध्यम से होकर के रिश्ता हुआ जल कंदरा में प्रवेश करता है उसी को पुनार कहते हैं। और एक समय बाद जब कंदरा की छत गिर जाए लेकिन इसका दोनों सिरा यानी कि इसका एक भाग दोनों सिरों को, किनारों को जोड़ता रहता है उसी को कहते हैं प्राकृतिक पुल, ठीक। इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जहां आपका ये सीक्वेंस, ये
इसके बाद अब हम लोग निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में देखते हैं। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अब निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को लेकर के हम लोग चलते हैं। आइए निक्षेपणात्मक स्थलाकृति की हम लोग बात करेंगे। अब तो यहाँ पर जैसे कि ये कंदरा है, ये कंदरा है, कंदरा है ये। अगर हम इसी की अगर चर्चा करते हैं तो जब जल, चूना युक्त जल जब कंदरा की छत के माध्यम से नीचे की ओर टपकता है, टप 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 नीचे की ओर टपकता है, तो जब जल का वेग कम होता है तो जल छन करके नीचे की ओर गिर जाता है और चूना जो है ये कंदरा से क्या होता है, कंदरा की छत से नीचे की ओर लटकती हुई आकृति में ये दिखाई देने लगता है। जब नीचे की ओर लटकती हुई आकृति में दिखाई देता है तो इसी को कहा जाता है स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट इसी को कहते हैं। और जब कंदरा के आधार तल पर जब चूना का जमाव होता है, तो जब चूने का जमाव होता है तो यहां से एक स्थलाकृति ऐसे बनती है जिसे कहते हैं स्टैलेगमाइट, स्टैलेगमाइट, स्टैलेगमाइट। याद करने का तरीका, क ख ग घ में क पहले होता है, ग बाद में, तो ऊपर वाले को कहेंगे स्टैलेग, स्टैलेगटाइट, और नीचे वाले को स्टैलेगमाइट। इसी को याद करने का एक और तरीका होता है, इसका हिंदी होता है अश्चुतास्म, अश्चुतास्म, और यह होता है निश्चुतास्म, नीचे है तो निश्चुतास्म, ये हिंदी होता है इसका। यही नहीं बल्कि आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक समय बाद जब यही आपस में मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ। आपस में जब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट जब आपस में मिल जाते हैं तो एक स्तंभ के रूप में दिखाई देता है जिसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। और जब कभी कभी क्या होता है कि कंदरा के छत पर पपड़ी के रूप में चूने का जमाव होता है, जो ग्रीष्म काल में तापमान बढ़ने के कारण ये कंदरा की छत को छोड़ करके पपड़ी के रूप में नीचे की ओर गिरते हैं, तो वही चीज है जब कंदरा के छत से जुड़ा होता है तो उसी को कहते हैं हेलेक्टाइट। इस तरह से ये हमारा काष्ठ प्रदेश या भूमिगत जल या चूना पत्थर द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां है। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो नदी द्वारा, पवन द्वारा, सागरीय लहरों द्वारा, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।